branches of chemistry. Although there are many types of chemistry, but we will be discussing six today. The first branch is like a detective work. उसमें आपको example given होता है और फिर आपको उस पर workout करना पड़ता है that what it is it made up of and the amount of different components. This chemistry is known as analytical chemistry. It is the qualitative and quantitative study of chemical components. For example, like how much caffeine is in your cup of tea, blood में कितना chemical होता है. Say it is mostly used in forensic sciences, environmental sciences, and medicinal purposes. It focuses on qualitative and quantitative study of chemical components. Qualitative मतलब के पहचान करना कि जो component हमें मिला है वो क्या है. And quantitative का मतलब है कि कितना उसके अंदर कौन सा component मौजूद है. यानी कि लेट्स सपोज अगर हमें एक कंपाउंड गिवन है तो हमें पहचानना है सबसे पहले कि वह कौन से एलिमेंट से बना हुआ है और हर एलिमेंट कितने मिकदार में मौजूद है. सो बेसिकली इस चीज़ को एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहा होता है. नेक्स्ट वी हैव बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइक हमारे पसीना हमें कैसे ठंडा करता है, हमारे ब्लड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट बीमारियां कौन कौन से वजूहत से होते हैं. सो ऑल ऑफ दिस केमिकल प्रोसेसेस इज स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री. एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस इज व्हाट वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स सच एज फ्यूल्स एंड प्लास्टिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो हाइड्रोजन एंड कार्बन को कंबाइन करके बनाए जाते हैं. ये केमिकल्स अक्सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और ये लाइक फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स के अंदर होता है तो ये सारे केमिकल्स तैयार होते हैं. जो हम लोग हेयर जेल इस्तेमाल करते हैं बाल की सेटिंग के लिए उसके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं. जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू बनाए जाते हैं. सो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स. यानी इसके अंदर हम उन तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जो इस दुनिया में हैं सिवाय हाइड्रोजन एंड कार्बन्स के. ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर यूजुअली टर्म्ड एज नॉन लिविंग और ये दुनिया के अंदर एज क्रिस्टल्स, कैटलिस्ट, मिनरल्स और मेटल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इट अप्लाइज केमिकल and physical process to change raw materials into products that are benefits to humanity. Yani chemistry ke andar jitne bhi process padhte hain un sab ka kis tarike se hum log real life mein istemal kar sakte hain taki hum aise products taiyar kar sake jo hamare zarurat mein aa sake. Like soap ho sakta hai, shampoo ho sakta hai, is tarah ke tamam materials jisme hum log chemical and physical processes ke knowledge ko istemal karte hain अपने फायदे के लिए वो सब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर कवर करते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडीज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू चेंजेस अकरिंग इन एटॉमिक न्यूक्लियस. यानी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं उन तमाम चेंजेस को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी भी आ सकता है. जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इस वक्त उस ब्रांच को हम लोग आजकल रेडियो केमिस्ट्री भी कहते हैं. इट इज हेल्पफुल फॉर फिजिक्स, जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स एंड इन बायोलॉजी. फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग. जियोलॉजिस्ट में पत्थरों की एज या पेट्रोलियम कहाँ पे मौजूद है उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. इंजीनियर पेपर के थिकनेस फाइंड करने के लिए या कंस्ट्रक्शन से पहले सॉइल की क्वालिटी चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. और बायोलॉजी के अंदर हम लोग मेडिसिनल पर्पस यानी कि किसी बीमारी का इलाज के लिए हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं.